किसको मारने का बोला तू? नहीं बोला किसी को भैया, तूने बोला है नहीं बोला। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। छेड़खानी करना एक शख्स को इतना भारी पड़ गया कि रास्ते पर उसे पीटते हुए लोग पुलिस स्टेशन ले गए। छात्रा से छेड़खानी का आरोप बीजेपी नेता के बेटे राजेश कर्णधार पर लग रहा है। आरोप है कि राजेश कर्णधार ने छात्रा के साथ छेड़खानी की और उसे जान से मारने की धमकी दी। छात्रा की शिकायत पर भड़के परिजनों ने आरोपी को रास्ते भर पीटते हुए उसे पुलिस स्टेशन ले गए। इस दौरान कई नेता बीच बचाव में थाने पहुंचते रहे, मगर आखिरकार पुलिस ने शाम होते ही शिकायत दर्ज कर ली है। वहीं आरोपी कर्णधार का कहना है कि उन पर जो मामला दर्ज किया गया है ये पूरी तरह से गलत है, उन्होंने छेड़खानी नहीं की है। इस आरोपों का उन्होंने खंडन करते हुए इस आरोप को गलत बताया है। आपको बता दें ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के रतलाम का है। वहीं थाना प्रभारी अशोक नानामा ने क्या जानकारी दी है इस पूरे मामले में, रतलाम से हुसैन खान की रिपोर्ट। क्या मामला था, एक कौन से कॉलेज का मामला है और क्या कितने बजे की घटना है? यह आज थाने पर महिला द्वारा आकर रिपोर्ट की है कि उनके साथ शांति निकेतन इंस्टीट्यूट है जहाँ पर वो बीएड की पढ़ाई कर रही है और वहाँ पर उनके साथ में घटना घटित हुई है जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना जारी है। किस धारा में अपराध पंजीबद्ध किया और किसके खिलाफ किया है, क्या आरोपी गिरफ्तार हुआ है या नहीं? ये इस जो शांति निकेतन इंस्टीट्यूट है वहाँ के प्रबंधक हैं राजेश जी, उनके खिलाफ वो कायमी की है और इसमें अभी विवेचना जारी है। जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और धारा 354 के तहत मुकदमा कायम किया गया है। आरोपी की कोई राजनीतिक प्रस्तुति बताई जा रही है? इस बारे में अभी जाँच की जा रही है, जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई। आरोपी के साथ भी मारपीट हुई है, उधर भी मुकदमा दर्ज हो रहा है। आरोपी के इससे अभी अगर उसके द्वारा सामने वाले पक्ष द्वारा उसके साथ घटना घटित की गई तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।